मैं भारत को भारतीयता की मान्यता के आधार पर फिर से खड़ा करना चाहता हूं, उस काम में लगा हूं, उस काम में लगा हूं। मेरा ये कहना है कि अगर यूरिया घोटाले का पैसा स्विट्जरलैंड से वापस आ गया तो चारा घोटाले का भी आ सकता है। क्यों नहीं आ सकता? घोटाला तो घोटाला, चारा घोटाले का आ सकता है, गेहूं घोटाले का आ सकता है, तोप घोटाले का आ सकता है, बोफोर्स का आ सकता है, चेक पिस्टल घोटाले का आ सकता है, आजादी के बाद हजारों हजारों जो घोटाले हुए हैं सबका पैसा आ सकता है। बस इसको सुप्रीम कोर्ट के सामने कहने की जरूरत है और दम के साथ कहने की जरूरत है, प्रमाण के साथ कहने की जरूरत है। क्यों नहीं मानेगा सुप्रीम कोर्ट? कानून है हमारे देश में। तो हम सुप्रीम कोर्ट में जाकर इसको राष्ट्रीय संपत्ति घोषित करा सकते हैं, ये पैसा आ सकता है। स्विट्जरलैंड से दादागिरी करके भी ये पैसा वापस आ सकता है। अंतर्राष्ट्रीय अदालत में मुकदमा करें तो भी ये पैसा वापस आ सकता है। और कई देशों को इकट्ठा करके स्विट्जरलैंड से बात करें तो भी ये पैसा आ सकता है। माने 110 लाख करोड़ ये हमें वापस लाना है। इसके लिए भारत स्वाभिमान का अभियान है। और एक बार हम ये वापस ले आए तो हमारा आत्मविश्वास इतना बढ़ जाएगा कि लंदन से 300 लाख करोड़ लाना आसान हो जाए। इंग्लैंड के लोग ये कह सकते हैं जी हमारे पास अब नहीं है, तो ठीक है तुम्हारे पास नहीं है तो हम दूसरे तरीके से इसको वसूल सकते हैं। आप बोलेंगे कैसे वसूल सकते हैं? इंग्लैंड की जितनी कंपनियां भारत में काम कर रही हैं सबकी संपत्ति को एक मिनट में जब्त करेंगे, कहेंगे जाओ यहां से, ये तो सब भारत का, ऐसे वसूला जा सकता है। और इंग्लैंड की कंपनियां दुनिया के 50 देशों में काम कर रही हैं, उनको साथ में लेके वहां ये करवाया जा सकता है कि तुम भी यही करो, अगर उनके पास देने को पैसा नहीं है तो इस तरीके से निकालो। और नहीं तो वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ में इंग्लैंड का हिस्सा जो पड़ा हुआ है, उनका जो कोष है, उसमें से ले सकते हैं। तरीके बहुत हैं, हिम्मत चाहिए, थोड़ा साहस चाहिए। एक बार हिम्मती और साहसी लोग इस देश की सत्ता व्यवस्था में आ जाएं, शीर्ष व्यवस्था में आ जाएं, तो हर असंभव काम संभव हो सकता है। मेरा ऐसा मानना है दुनिया में कुछ भी असंभव नहीं होता, हर काम संभव होता है। करने वाले में संकल्प कितना बड़ा है महत्व तो इस बात का होता है। कल तक दुनिया में हमें ऐसा लगता था कि ये तो हो ही नहीं सकता, जैसे अमेरिका में कोई काला आदमी राष्ट्रपति बन ही नहीं सकता, कोई मानने को तैयार नहीं था, अभी बन गया। पूर्वी जर्मनी और पश्चिमी जर्मनी कभी एक हो ही नहीं सकता, अभी दोनों एक हो गए। सोवियत संघ जैसा देश जो महाराष्ट्र था वो खंड खंड टूट ही नहीं सकता, टूट गया। अमेरिका जैसा देश जो दुनिया की सबसे बड़ी आर्थिक महाशक्ति था, दिवालिया हो नहीं सकता, हो गया। अमेरिका के बड़े बड़े बैंक लेहमन ब्रदर, सिटी कॉर्प, एएनजेड, ग्रिंडलेज, स्टैंडर्ड चार्टर्ड देखते देखते दिवालिया हो गए लोगों के सामने, जो कोई सोच नहीं सकता था। यूरोप कभी मंदी में आ ही नहीं सकता, आ गया। तो जब हम दुनिया में बहुत सारी असंभव कल्पनाएं करते हैं और वो हो जाती हैं, तो ये कल्पना भी आज असंभव लगती है कल हो सकती है। बस महत्व की बात है कि करने वालों का संकल्प कितना बड़ा है। भारत स्वाभिमान अभियान इसी काम के लिए हमने शुरू किया है। और हमारा सपना है कि 110 लाख करोड़ स्विस बैंकों से वापस आ जाए, 300 लाख करोड़ इंग्लैंड से वापस आ जाए, 410 लाख करोड़ की रकम इतनी बड़ी है कि इस रकम को हम हिंदुस्तान पे लुटा दें, एक एक हिंदुस्तानी को बांट दें, तो एक एक हिंदुस्तानी के पास कम से कम 4 से 5 करोड़ रुपए से ज्यादा आ जाएगा। लुटा दें अगर हम उस रकम को, और अगर नहीं लुटाएं, हिसाब से खर्चा करें, गांव का विकास करें, तहसीलों का विकास करें, इस तरह से खर्चा करें, तो 50 लाख करोड़ में ही सारा देश खड़ा हो जाएगा, इससे ज्यादा का खर्चा ही नहीं।
हर गांव में पीने का पानी हो, हर गांव में बिजली हो, 24 घंटे बिजली हो, हर गांव में स्कूल हो, हर गांव में हॉस्पिटल हो, हर गांव में डॉक्टर हो, हर गांव के गरीब से गरीब बच्चे को पढ़ाई की व्यवस्था हो, चिकित्सा स्वास्थ्य की व्यवस्था हो, अगर इस हिसाब से खर्चा करें तो मात्र 50 लाख करोड़ चाहिए, सारे गाँव खड़े हो जाएंगे। और रकम तो इतनी बड़ी है हमारे पास, फिर क्या करेंगे? फिर बाकी पैसे का सोना खरीद लेंगे और रगड़ रगड़ के सड़कों पर बिछाएंगे, सब सड़कें सोने की बनाएंगे। भूतकाल में ये देश सोने की चिड़िया था, भविष्य में भी बनाएंगे, वर्तमान ठीक हो जाए तो ये करेंगे। दे दो भाई कुछ नौकरी दे दो। आप ये कहेंगे ये शेख चिल्ली के सपने हैं, ये शेख चिल्ली के सपने नहीं है। मैं आपको विनम्रता पूर्वक ये कहना चाहता हूं कि हर हकीकत शुरू में एक सपना होती है, हर हकीकत शुरू में एक सपना होती है, और जब करने वाले लग जाते हैं तो वो हकीकत हो जाती है। आज से 150-250 साल पहले नाना साहब पेशवा ने जब सपना देखा कि मैं देश को आजादी दिलाकर रहूंगा, तब लोग उनसे कहते थे ये शेख चिल्ली के सपने क्यों देख रहे हो, क्योंकि आजादी के लिए कोई तैयार नहीं था। जब नाना साहब पेशवा आजादी का सपना देख सकते हैं उस दौर में जब हिंदुस्तानी कोई मुंह नहीं खोल सकता था सड़क पर निकलकर, तो हम तो ये सपना आप देख ही सकते हैं, क्योंकि हम तो उनसे ज्यादा बेहतर स्थिति में हैं। और मैं मानता हूं कि हर बड़े आदमी ने पहले सपना देखा है, फिर उसको हकीकत में बदलने के लिए संकल्प किया है, और फिर संकल्प के रास्ते पर चलने के लिए करोड़ों लोगों की फौज खड़ी की है, और हर बड़े आदमी का सपना पूरा हुआ है। दुनिया के किसी भी बड़े आदमी का इतिहास उठा के देखो आप। तो भारत स्वाभिमान भी सपना देख रहा है, देश को वैभवशाली बनाने का, संपत्तिवान बनाने का, देश की गरीबी भुखमरी बेरोजगारी दूर करने का, मिटाने का सपना देख रहा है, देश की अंग्रेजियत को खत्म करने का, व्यवस्थाओं को स्वदेशी बनाने का, शिक्षा में परिवर्तन करने का, कर व्यवस्था में परिवर्तन करने का, कानून व्यवस्था में परिवर्तन करने का, प्रशासन व्यवस्था में परिवर्तन करने का हम सपना देख रहे हैं, और हम इकट्ठे हो रहे हैं इस एक सपने के आधार पर। फिर हम सब मिलकर प्रयास करेंगे, प्रयास करेंगे तो कल को ये हकीकत में बदल जाएगा। कई बार होता है ना, हमारा घर टूट गया, फूट गया, खंडर हो गया, फिर हम घर को बनाना शुरू करते हैं, किसी एक कोने से शुरुआत होती है, धीरे धीरे पूरा घर बन जाता है, वैसे ही ये है। कई बार हमारे घर में बहुत गंदगी आ जाती है, कचरा आ जाता है, कूड़ा आ जाता है, फिर हम घर की सफाई शुरू करते हैं, एक कोने से सफाई शुरू करते हैं, थोड़ी दिन में पूरा घर साफ हो जाता है। वैसी ही कुछ स्थिति है कि ये टूटा फूटा भारत, कमजोर सा भारत, अंग्रेजियत में डूबा हुआ भारत, गरीबी भुखमरी बेरोजगारी में डूबा हुआ भारत, अच्छा नहीं दिखने वाला भारत आज ऐसा है। हम प्रयास करेंगे, इसके किसी एक कोने को ठीक करेंगे, धीरे धीरे एक दिन पूरा भारत ठीक हो जाएगा। वैसे ही है जैसे अपने घर का होता है, तो मुझे इसमें कोई असंभावना नहीं लगती, मुझे तो पूरी संभावना लगती।